that you pull me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों से कुछ स्पेशल शेयर करने वाली हूँ, यानी कुछ स्किन का ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ, जो रेमेडी आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और ऐसे में स्किन बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही घरेलू रेमेडी लेके आई हूँ, जो क्विकली आपकी स्किन को असर भी करेगी और शादियों में आपके चेहरे की स्किन का जान लगेगी। तो चलिए बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख लीजिए कि मैंने इस रेमेडी को कैसे और किस तरीके से बनाया हुआ है। हम उस फेस पैक को कैसे बनाएंगे और हमें उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, तो हमें चाहिए सिर्फ दो ही चीज़ें। तो पहला इंग्रीडियंट चाहिए हमें कॉफ़ी, तो मैंने ये 10 रुपये वाला पाउच नेस्कैफे का लिया हुआ है। और उसके बाद हमें चाहिए ये नारियल का तेल, जो कि वर्जिन है, ये मैंने इसमें निकाला क्योंकि थोड़ा सा मौसम हो गया, थोड़ा टिकट लगा। तो ये देखिए कुछ इस फॉर्म में है। तो हमको क्या करना है, मैंने 1 चम्मच के करीब नारियल तेल लिया हुआ है, तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब कॉफ़ी इसमें। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें कॉफ़ी डाल दी है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है, तो ये कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, आपको ये देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन दो फिंगर, जो मिडिल फिंगर है आपकी, तो इन दोनों फिंगर से आपको चेहरे पे इस तरीके से लगा लेना है और पूरे चेहरे पर आप लगा लीजिए इस तरीके से। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें इतने सारे गुण होते हैं जितने किसी भी और ऑयल में नहीं होते हैं। ये स्किन की सभी समस्याओं में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपके चेहरे पे इचिंग है, पुल्ली है, रैशेस हैं, उन सब में नारियल का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो बस इस तरीके से हल्के हल्के राउंड राउंड करते हुए आपको इस तरीके से नीचे से ऊपर को ले जाते हुए मसाज करनी है, और जहाँ पर आपके डेड सेल्स पर ज़्यादा दिक्कत आपको लगती है वहाँ पे आप इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए इस तरीके से, जिस फिंगर से आपको लगे कि इस फिंगर से आपको लगता है कम आपकी स्किन पे दबाव पड़ा तो आप इस फिंगर से कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी ये फिंगर दबाव करेगी तो आप इस फिंगर से इस तरीके से पूरी नोच पर इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, और आँखों के नीचे भी आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। और जब आप माथे पर आते हैं तब आप 2 फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए आपको मसाज कर लेनी है। ये मसाज आप जब करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होगा, आपको सुकून लगेगा और आपकी स्किन जो पर जो शाइन आएगा वो तो आप खुद ही देखेंगे इस पैक को करने के बाद। तो इस तरीके से करते करते वो धीरे धीरे आपको पूरा इस तरीके से छुड़ा लेना, जैसे मैं कही पूरा मैं लंबा करके इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि जैसे मैं कर रही हूँ आप भी कर सकें, ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो इस तरीके से देखिए, क्योंकि चिन हमारी बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, जिनकी ड्राई स्किन भी होती है उनकी चिन और नोज तो ऑयली मोस्टली होती है। तो इस तरीके से हमें यूं करते हुए मसाज कर लेनी है। आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होके मसाज करनी, मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा ऐसे करने में और बोल के करने में थोड़ा फर्क होता है। तो हमें मसाज को करीब 5 मिनट तक आपको करना है, और ये बहुत ही अच्छा मास्क है, स्क्रबर भी आप बोल सकते हैं। तो आप इसको चाहे जिस तौर पे लगा सकते हैं, कॉफी के इतने सारे गुण हैं कि क्या कहें आपसे, कि अनगिनत गुण है कि बता ही नहीं जा सकते। तो आपको आंखों के नीचे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है इस तरीके से, ये देखिए। और इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसे आपको साफ कपड़े से या कॉटन से पोंछ लेना, तो मैं पोंछ लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ध्यान रखिएगा कि आप जो भी पहने तो यहाँ नीचे आप कोई टिश्यू पेपर या कोई टॉवल या हैंकी डाल ले, क्योंकि ये जो जब छूटेगा तो आपके कपड़ों पे गिरेगा और कॉफ़ी के स्टेन है वो जल्दी जाते नहीं है।
तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। तो मैं लेके आती हूँ टॉवल, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं कॉटन ले आई हूँ, तो अब हमें क्या करना है, कॉटन से इस तरीके से इसे अगर इसे आप तुरंत छुड़ा दीजिएगा, नहीं तो फिर ये सूखने लगती है। तो आप सब जानते हैं कि कॉफी बहुत ज्यादा जल्दी जम जाती है, तो इसे पोंछ दीजिए आप अच्छे से। और आपको मुंह अभी नहीं धोना है, ये देखिए यहाँ तक आ, तो देखिए पूरी रुई पर कॉफी के स्ट्रेन आ गए हैं। आता है उसे आप थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप मुंह मत धोइएगा। 5 मिनट बाद आप चेहरे को वॉश कीजिए, क्योंकि अभी आपने चेहरे पे मसाज की है तो ब्लड सर्कुलेशन जो बना है तो स्किन आपकी थोड़ी गर्म हो जाती है जब आप मसाज करते हैं। उसके बाद अगर आप तुरंत मुंह धो लेते हैं तो वो ठंडा गर्म आपको हो जाएगा, तो वो नुकसान करेगा, वो आपको नहीं करना। 5 मिनट आप रेस्ट दीजिए तो आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी। उसके बाद आप चेहरे को वॉश कर लीजिए, फिर आपको चेहरे पर जो भी लगाना है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रेमेडी बहुत ही अमेजिंग और बहुत कमाल की है, इसे आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका दिखाया है, और हो सकेगा तो मैं आपको बाकी के तरीके भी सिखा दूंगी, और नहीं तो मैं ऐसे बता देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। सिंपली आप कॉफ़ी ले लीजिए, उसको पानी में घोल करके अपनी आंखों के नीचे लगा लीजिए। अंडर आइज के लिए बहुत बेहतर है, डार्क सर्कल आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन में होने लगती हैं, और खासकर सेंसिटिव स्किन वालों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ड्राई स्किन के लिए भी ये मौसम काफ़ी केयरफुल करने वाला, बहुत केयरिंग वाला होता है, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इस रेमेडी से आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी, स्किन में एक नई जान आ जाएगी, और जैसे स्किन में नहीं जैसे बेबी स्किन हो जाती है उस तरीके से हो जाएगी। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, आपके काम की होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलेंगे आपसे इस वीडियो में, ऐसी ही वीडियो के लिए आप लोग मुझे लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखें, खुश रहो, मस्त रहें।